छिंदवाड़ा में गत दिनों 9 अक्टूबर को जिनार देवी दमवार रोड पर कोहिल्ला घाटी पर हुई सराफा व्यापारी की हत्या एवं लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के नागद्वार से व्यापारी ओम प्रकाश सोमानी यहां पर सोने चांदी के आभूषण लेकर व्यापार करने आया था। घटना की शाम वह दमुआ से व्यापार करके ऑटो से वापस लौट रहा था कि कोहिल्ला घाटी पर तीन बदमाशों ने मोटरसाइकिल अड़ाकर ऑटो रोका एवं व्यापारी को गोलियां मारकर एक जेवर से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से अपराधियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि व्यापारी की हत्या एक आरोपी की लाइसेंसी पिस्तौल से हुई है जो पहले सेना में रह चुका है। घटना में प्रयुक्त सभी वाहन एवं हथियार जब्त कर लिए गए हैं। सभी आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। पुलिस द्वारा बरामद किए गए 90 किलो लगभग 50 लाख बताई जा रही है। बरातिया में एक सराफा शोरूम है, उस व्यक्ति ने एक अन्य मुख्य आरोपी बूटा और भूपेंद्र तोमर से कुछ राशि रुपए उधार लिए थे और उसको वो वापस चुका नहीं पा रहा था। इस सिलसिले में इन्होंने ये योजना बनाई कि क्योंकि ये सराफा व्यापारी है और इस तरह से ये ऑटो में आवागमन करते हैं, तो यदि इनको टारगेट करके उनकी ये सोने चांदी के जेवर यदि ये प्राप्त कर लेते हैं तो इनकी आर्थिक समस्या और इस तरह के तमाम लालचों के कारण इन्होंने ये घटना प्लान की। इनके साथ तीन अन्य आरोपी जिसमें एक रवि यदुवंशी, इसके अतिरिक्त एक मोहम्मद अशरफ और कैलाश उर्फ लालू, इन लोगों ने इसमें सहयोग किया। सबसे पहले इसमें कैलाश उर्फ लालू ने घटना स्थल से दमोह की तरफ जाकर मृतक की रेकी की थी, जिसके पश्चात रवि नाम के युवक ने भी इनकी रेकी की और फिर जब ये ऑटो में बैठकर वापस आ रहे थे तो घटना स्थल पर रवि, अशरफ और बूटा, इन लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और बूटा नाम के आरोपी ने इनके ऊपर अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया और इनकी घटना स्थल से अस्पताल ले जाने के दौरान मृत्यु हो गई। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।